टेक्निकल एंड सोशल मीडिया की लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। क्या 111, 222 या 333 से कॉल उठाने से विस्फोट हो जाता है? क्या 777, 888 और 999 से अगर आपके पास कॉल आती है क्या वाकई विस्फोट हो जाता है? क्या है इन नंबरों की हकीकत? इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पर जो ये इस तरह के अफवाहें फैली हुई हैं उनका सब काम खुलासा इस वीडियो में करने वाले हैं, इस तरह से आप उनसे अलर्ट रह सकते हैं और इसका क्या है सच। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मासूम और आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट फोन। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि 9 नंबर के डिजिट इंडिया में नहीं होते हैं और अदर कंट्री में अगर 9 नंबर के डिजिट होते हैं तो उनमें कंट्री कोड लगा होता है। यदि आपके पास कोई कॉल आता भी है उसमें कंट्री कोड लगा होता है। दरअसल ऐसा नंबर कोई होता ही नहीं है। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर व्हाट्सअप, फेसबुक या ट्विटर पर ऐसे मैसेज फैले हुए हैं कि 777, 888 या 999 से कॉल उठाने पर विस्फोट हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है। आप इन मैसेज का विश्वास ना करें, ठीक है? अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर करें और उसे मैसेज को डिलीट करें और अपने फ्रेंड्स को समझा दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लड़के होते हैं, शरारती लड़के, इस तरह का काम करते हैं, कार्टून वगैरह बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप इन बातों पर विश्वास ना करें। मेरे पास भी एक मैसेज आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का मैसेज मेरे पास भी आया था व्हाट्सएप पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था और मैंने उसको जवाब भी दिया कि इस तरह का कोई भी ऐसा फंडा नहीं है कि विस्फोट हो रहा है। मैं मोबाइल के काम में 12 साल से काम कर रहा हूँ, मोबाइल का काम जानता हूँ और अभी तक मेरी नज़रों में अभी तक कोई भी ऐसा विस्फोट मेरे सामने नहीं आया है। किसी भी नंबर से कॉल आने पर फ़ोन विस्फोट हो गया हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं मेरे सामने आई है। हाँ, सैमसंग वगैरह में एक फ़ोन जो उनमें जो विस्फोट हुआ था वो बैटरी की ख़राबी की वजह से हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी नंबर का कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई मैसेज आता है आपके फ्रेंड्स के द्वारा, सगे संबंधी द्वारा, तो आप उन्हें समझा दें और इन चीज़ों को इग्नोर करें। पर आप इस चीज़ से घबराएं नहीं, क्योंकि हमारी सरकार ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। तो साइबर क्राइम हमारी पुलिस है, उसने ऐसा उसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। जो भी ये मैसेज फैलाता है या सबसे पहले ये मैसेज कहाँ पे लोड हुआ, कहाँ पे अपलोड हुआ, कहाँ पे फॉरवर्ड हुआ, ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुई, फर्स्ट नंबर पे उस आईपी एड्रेस, उस मोबाइल फ़ोन से डिवाइस से ही अपलोड की गई है, उसको पकड़ा जाएगा। तो उनसे अनुरोध है जो इस तरह के मैसेज फैलाते हैं कि वो सतर्क हो जाएं, वरना वो साइबर क्राइम की पुलिस से बच नहीं पाएंगे। Thank you for watching. Bye-bye.